हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की, सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, टॉपिक है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जिसमें हम पढ़ रहे थे मेन प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट। इसमें बच्चों हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, ये मेन प्रोविज़न में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्किंग आवर्स के बारे में कि इस एक्ट में क्या क्या दे रखा है, ठीक है। जिसमें बच्चों सबसे पहला आ रहा है वीकली आवर्स। वीकली आवर्स में क्या है कि एक सप्ताह में किसी भी वर्कर की जो वर्किंग है वो 48 घंटे से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सबसे पहला इसमें रूल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर का जो पॉइंट है वीकली हॉलीडेज़, ये पॉइंट ये कहता है कि जहाँ तक पॉसिबल हो तो संडे को ऑफ रखना है, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन 24/7 रन करती है, 24/7 रन का मतलब आप ऐसे समझिए कि 24 घंटे सातों दिन, जो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर प्रोडक्शन बहुत है, काम ज़्यादा है, ठीक है, तो वहां पर संडे को हॉलीडे करना, ऑफ करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वहां पर क्या हो, किस तरीके से हॉलीडे दिए जाते हैं वहां पर जो है वो अलग अलग होते हैं कि किसी पर्सन का मंडे को आएगा, किसी का ट्यूसडे को आएगा, किसी का वेडनेसडे को आएगा। तो इस तरीके से हॉलीडे भी हो जाते हैं और काम भी मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर वो वाली व्यवस्था की जाती है। नो वर्कर वर्किंग फॉर मोर देन 10 डेज कॉन्जिकेटिवली विदाउट ए हॉलीडे फॉर ए होल डे। यानी कि इसमें ही एक पॉइंट और है कि कोई भी बंदा 10 दिन से ज़्यादा लगातार काम नहीं करेगा, यानी कि इसके बीच में एक छुट्टी जरूर आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये वीकली हॉलीडेज का कॉन्सेप्ट है बच्चों। उसके बाद आ रहा है डेली आवर्स। तो डेली आवर्स के लिए क्या है कि एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा की वर्किंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा की वर्किंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों इंटरवल्स फॉर रेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि नो एडल्ट वर्कर शैल रिक्वायर टू वर्क फॉर मोर देन 5 आवर्स। मतलब कंटिन्यू आप 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। सपोज करो आपकी शिफ्ट 10 बजे शुरू होती है, ठीक है, या 10 नहीं 8 बजे से, मान ली आपकी शिफ्ट 8 बजे से शुरू होती है तो 8 और 5 1, यानी कि 1 बजे आपका लंच टाइम हो जाना चाहिए, उस तरीके से मैनेज करा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो है कम से कम आधे घंटे का रेस्ट मिलना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए ये क्लॉज बनाए कि इंटरवल्स फॉर रेस्ट, आपको कंटिन्यूसली 5 घंटे से ज़्यादा की वर्किंग ना हो, इससे पहले भी प्रोवाइड करा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है बच्चों, ठीक है। वो अपना अपना हिसाब है, लेकिन 5 घंटे से ज़्यादा आप लगातार काम नहीं करेंगे, आपको वहाँ पे एक रेस्ट जरूर मिलेगा, 1/2 आवर का कम से कम, वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आ रहा है बच्चों एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवरटाइम। अब आपको पता है कि कुछ कंपनीज में ओवरटाइम भी कराया जाता है, जहाँ पर ओवरटाइम करते हैं बंदे की 8 से 8 घंटे की शिफ्ट करने के बाद 3 घंटे 2 घंटे जो भी है, तो वो ओवरटाइम करते हैं। तो ओवरटाइम करने का क्या रूल है, वो इसमें ये बताया गया है कि जितने घंटे का वो ओवरटाइम करता है तो जो भी उसकी ऑर्डिनरी वेजेस होती हैं, मतलब जो भी उसकी सैलरी है, उस जो उसकी नॉर्मल ड्यूटी वो करता है अपनी, तो उसकी जो सैलरी है उससे डबल उसको उस ओवरटाइम का मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं, मान लीजिए 8 घंटे की आपकी जो भी सैलरी बैठती है एक दिन की, अगर पर डे के हिसाब से निकालें तो वो क्या करेंगे आपके पर डे की सैलरी का पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे कि आपके 1 घंटे के कितने पैसे बैठते हैं, तो वो जितने भी बैठ रहे होंगे उसका डबल आपको उसका ओवरटाइम मिलेगा, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। ये वो कह रहे हैं, यानी कि ओवरटाइम अगर आप करते हैं तो वहाँ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाले हैं। उसके बाद आ रहा है रेस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट। अब ये डबल एम्प्लॉयमेंट क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा 2 कंपनियों में काम नहीं करेगा, ठीक है। नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री ऑन एनी डे ऑन विच ही हैज़ ऑलरेडी बीन वर्किंग इन एनी अदर फैक्ट्री। 2-2 जगह उसकी वर्किंग नहीं होगी, ठीक है, एक ही कंपनी में उसको काम करना है। नेक्स्ट आ रहा है बच्चों रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर। अब इसमें क्या है, रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर में जो कंपनी के ऑनर हैं उनको क्या करना है, वर्कर के लिए एक रजिस्टर प्रिपेयर करना है। उस रजिस्टर में काम करने वाले जो भी वर्कर हैं उन सबकी कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लिखनी है, जैसे द नेम ऑफ ईच वर्कर इन द फैक्ट्री, उन सबके नाम हो गया, नेचर ऑफ हिज वर्क, किस तरीके का वो काम करते हैं, ठीक है, जिस ग्रुप में काम करते हैं, मतलब ग्रुप इन द सेंस मान लीजिए कोई CNC ग्रुप में काम कर रहा है, कि डिपार्टमेंट क्वालिटी में काम कर रहा है, प्रोडक्शन में कर रहा है, मेंटेनेंस में कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन में भी अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया,
सीएनसी पे है, लेथ पे है, हॉबिंग पे है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुप हो गया। वेयर हिज ग्रुप वर्क्स ऑन शिफ्ट, उसका ग्रुप कौन सी शिफ्ट में काम कर रहा है, या उसकी जो भी और इन्फॉर्मेशन है सैलरी से रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो एक रजिस्टर में मेंटेन करनी है। अब ये रजिस्टर मेंटेन इसलिए हो रहा है कि आपको याद होगा जब हम ये टॉपिक पहले पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक इंस्पेक्टर वर्ड आया था। तो ये इंस्पेक्टर कौन है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर रही है, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट का डीएम होता है। तो रैंडमली अगर कोई चेकिंग के लिए आ जाए तो ये रजिस्टर अवेलेबल होना चाहिए हर समय, ठीक है। हर समय इन द सेंस जिस टाइम कंपनी खुली हुई है, तो उस टाइम पर अगर कोई आके इस रजिस्टर को मांगने लगे तो ये तुरंत वहाँ पर उसको दिखाना ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट है, रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। वुमेन के काम करने को लेकर कुछ सीमाएं तय की गई हैं, जिसमें बस एक रूल दिया है इन्होंने कि इनको काम करने के लिए सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक ही आप काम करा सकते हैं, यानी कि आप लेडीज से नाइट शिफ्ट नहीं करा सकते, ठीक है। वो मॉर्निंग के 6 AM से नाइट के 7 PM तक ही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर टॉपिक समझ में आ गया है तो। बच्चों जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।